हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नास किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं झटपट सी मज़ेदार सी चटपटी बिरयानी, चिकन बिरयानी, यूँ मेरे स्टाइल में। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ने यहाँ पे 7 से 8 हरे मिर्चे लिए थे, जिनको अच्छे से थोड़े छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं। एंड ये मेरे पास बिरयानी का मसाला है, होममेड। इसकी भी रेसिपी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे मेरे पास पिसा लाल मिर्चा है, जो कि है 1/2 टेबल स्पून। एंड ये बिरयानी का मसाला मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। हमने काली मिर्च ली है पिसी, जो कि है 1 टेबल स्पून। एंड यहाँ पे हमने पिसा ज़ीरा लिया है, जो कि वो भी 1 टेबल स्पून है। एंड यहाँ पे हमने लौंगे लिए करीबन 7 से 8, ये भी हैं। एक छोटी सी साइज़ की दालचीनी की लकड़ी है। एंड ये है मेरे पास काला ज़ीरा। और यहाँ हमने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, जो कि आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ हमने इलायची ली है, छोटी इलायची 3। एंड ये है हमारे पास अखनी का सामान, हमारा अखनी का सामान। तो चलिए और आगे दिखाते हैं। ये मेरे पास है एक नॉर्मल साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। एंड ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 कटोरी है। एंड ये है 1/2 कप दही। यहाँ मेरे पास 1 कप रिफाइंड ऑयल है। ये है हमारी अखनी की रेसिपी। और साथ में ये है मेरे पास कुछ 4 तेज़ पत्ते, इनको भी साथ में ऐड करना है। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे पास 700 ग्राम चावल है। अच्छे से हमने इसको देख लिया है, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 से 6 इलायची हैं। एंड ये है 1/2 इंच लकड़ी, दालचीनी की लकड़ी। यहाँ हमने करीबन 4 से 5 तेज़ पत्ते लिए हैं। एंड 2 टेबल स्पून नमक है, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ हमने लौंगे लिए कुछ 8 से 9, और ये लौंग फूल है 1। और ये है मेरे पास 1 चुटकी कलर, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून वाटर ऐड किया है, पानी। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे पास ये अखनी का बर्तन है। एंड ये मेरे पास पानी बॉईल करने का बर्तन है, यानी चावल को बॉईल करने का बर्तन है। ऑयल ऐड करते हैं। मेरे पास कटी हुई प्याज, इसको ऐड करते हैं। यहाँ हमारी प्याज फ्राई हो रही है, देख रहे हैं। हमें यहाँ प्याज अपनी ब्राउन करनी है। यहाँ मेरे पास काला ज़ीरा है, तो अब हम काले ज़ीरे को ऐड करते हैं। की लकड़ी को भी ऐड करते हैं। मेरे पास लौंग है, इनको भी ऐड करते हैं। ऐड करते हैं, हम अपना चिकन ऐड करते हैं। अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्राई हो रहा है मेरा चिकन। ये नमक ऐड करते हैं, वो आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। चाय ऐड करते हैं, छोटे छोटे पीस में मैंने काट कर लिए थे इसको। एंड ये है पिसा ज़ीरा। काली मिर्च का पाउडर, लाल पिसा मिर्चा। एंड ये है मेरा बिरयानी का मसाला, जो कि रेसिपी बहुत जल्द आने वाली है बिरयानी के मसाले की। अपना ये दही ऐड करते हैं, जो कि 1/2 कप था। देख रहे हैं, ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसको भी ऐड करते हैं। और 1 कप पानी। देख रहे हैं, नॉर्मल फ्लेम पे ये मेरा सारे मसालों के साथ ऐड होके ये भुंज रहा है, अच्छे से फ्राई हो रहा है। 1 कप पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये मेरी अखनी तैयार हो रही है धीरे धीरे। हमें इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देना है नॉर्मल फ्लेम पे। धीरे धीरे ये कुक होगा। ये मेरी अखनी तैयार होती है जब पानी अच्छे से तैयार कर लिया है। इसको हॉट होने तक के वेट करते हैं, फिर इसमें हम ऐड करेंगे कुछ चावल के पानी का रेसिपी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें ऐड करते हैं 3 तेज़पत्ता एंड नमक, लौंग,
लौंग फूल ऐड कर दिया। अब हम ऐड करते हैं अपनी लौंग। ये आप देख रहे हैं यहाँ हमारा अखनी अच्छे से भुंज रही है, फ्राई हो रही है। चलिए तो इसको 15 मिनट का मैंने टाइम दिया था, 15 मिनट बाद देखते हैं। हमने अपना चावल उबालने का बर्तन भी तैयार कर लिया है, इसमें सारी रेसिपी उसकी ऐड कर दी है। एंड इसको हम अच्छे से बॉईल होने तक का वेट करते हैं। अच्छे से जब बुलबुले टाइप में फेंकने लगेगा पानी, तो हम इसमें अपना चावल ऐड करेंगे। क्या आप देख रहे हैं, हमने अपने चावल को एक बर्तन में निकाल लिया है। इसको हमें 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देना है। चावलों को पानी में भिगो के रख दिया 20 मिनट के लिए, जब तक कि ये भीग रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं चावल के पानी में उबाल आ गई। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने चावल भीगे हुए। गाइस हम ये अपने चावल ऐड कर रहे हैं पानी में। देखिए हमने अपने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं, इनको भी कुक होने तक का वेट करते हैं। जैसे हम डेली वेयर में सादे चावल पकाते हैं। कि आप देख रहे हैं 15 मिनट हो गए हैं, मेरी यखनी अच्छे से तैयार हो गई है, फ्राई हो गई है, कुक हो चुकी है। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं चावल टूट रहे हैं, इसके मतलब हाफ कुक हो चुके हैं। गाइस अब हम अपने चावलों को किसी छन्नीदार बर्तन में छानते यानी पसाते हैं। एक एक पानी इसका अच्छे से निकल जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने अपने चावलों को अच्छे से पसा लिया, इनका अच्छे से पूरा पानी निचोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना अखनी। कि आप देख रहे हैं हम अपनी इसमें अखनी ऐड करते हैं। कि देख रहे हैं आप, हमने अपनी इसमें अखनी ऐड कर दिए चावलों में। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ऊपर नीचे करके। जैसे कि देख रहे हैं आप, हमने चावल में अखनी अच्छे से ऐड कर दी है। अब हम इसमें डालते हैं, देख रहे हैं यहाँ मेरे पास घी है, डालडा घी। हम इसको ऐड करते हैं। हम 1 टेबलस्पून केवड़ा ऐड कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये मेरे पास जर्दे का रंग है, इसको ऐड करते हैं। इसको हम अपने अच्छे किसी बर्तन से कवर करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद मेरी चिकन बिरयानी बन के रेडी, और सर्व करके आपको दिखाते हैं। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी चिकन बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है, चलिए सर्व करके दिखाते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी चिकन बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है विथ रायता, यूं मेरे स्टाइल में। रायते की भी रेसिपी मैंने इसमें पोस्ट कर दी है, तो ज़रूर देखें। एंड मेरी चिकन बिरयानी देखिए बनके तैयार हो चुकी है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर भी करें एंड कमेंट करें अच्छे। थैंक यू।